हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। तो हम आज बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके कंपटीटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्राइंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है? सो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में अगले 5 वर्षों में किस इकाई के लिए कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? इसका सही आंसर रहेगा प्राथमिक कृषि शाख। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्कियों के कितने अरब डॉलर की सहायता घोषणा की है? 1.78 अरब डॉलर। नेक्स्ट, भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक चैम्पियन में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता? तजिंदर पाल सिंह तूर। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर बीडी मिश्रा। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो किस संस्था ने महामारी संधि को जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन यानी इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस का नेतृत्व करता है? दोस्तों इंडिया। लेन देन देशों का एक अनौपचारिक समूह पेरिस क्लब किस संगठन का सदस्य है? OECD का। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलेंस फंड यानी USG 50 MN फंड फॉर वुमेन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिलरी क्लिंटन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों तरुण दीप राय। नेक्स्ट, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इयान मॉर्गन।